जय हिंद साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हम लोग स्लाइडिंग डोर बनाते हैं और उसका हल्क बनाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसकी जाली किस तरीके से होती है। शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया थोड़ा सा, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा किन किन चीज़ों की हमें जरूरत होती है और कैसे इसको पूरा प्रोसेस करते हैं, क्या क्या इसमें फरसा लगता है, क्या इसका साइज होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जाली का सेक्शन है जिसमें अभी व्हील लगेंगे। व्हील मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले, ठीक है साथियों। इसकी मैं आपकी क्वांटिटी भी दिखा देता हूँ, भाई ये लिखा हुआ है। इस तरीके के व्हील यहाँ पे लगते हैं जाली के, जो नीचे वाले उसमें लगते हैं, जो एल्युमिनियम का काम करते हैं शायद वो तो जानते होंगे, लेकिन जो भाई नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकती है जो नए नए आते हैं। तो सऊदी अरब में इस तरीके का काम होता है यहाँ पर। और भाइयों हम लोग यहाँ पर एक फरसा डालेंगे और इधर डालेंगे एक साइड, इधर दो साइड खाँचे दे रखे हैं, लेकिन दोनों हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि दोनों साइड डालेंगे तो फिर इसमें चलने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी जाली। तो एक में डालेंगे जिससे कि डस्ट अंदर ना आए, और इधर डालेंगे ताकि ये एलुमिनियम में लड़े ना पल्लों में। और उसके लिए हमें जॉबिया की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया जैसे कि पिछली वीडियो में, इधर से जो है नीचे की साइड लगना है, ये लगेगी इस तरीके से। प्लेन वाला एरिया हमेशा ऊपर रखें आप तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद ये मिसमार इसमें लगता है जो कि व्हील में हम लोग लगाएंगे। मिसमार का मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ पूरा, जो हम मिसमार यूज़ करते हैं, आप चाहे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेड इन चाइना का है, ये बहुत सही रहता है। क्या होता है कि ये जब हम लोग इधर से लगाते हैं तो ये आर पार नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो इधर लगाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी जगह छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है इसमें। और उसके बाद फिर हम ज़रूरत होती है ब्रिसम की, इसको हम पॉप रिपीटिव बोलते हैं अपने इंडिया में, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में इसको बोलते हैं ब्रिसम। उसके बाद मैंने 3 mm का इसमें ये बिट लिया है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रीसा और इसको बोलते हैं लुकमा, ये प्लस वाली बिट है अपने पास, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सऊदी अरब में लुकमा। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रिसम मकीना और उसके बाद ये फरसा। फरसा मैं आपको बता दूँ इसका साइज़ क्या है, ठीक है। अगर आपका ये ओरिजिनल मांगता है कि भाई मेरे को फरसा ओरिजिनल चाहिए, तो इसका दूसरा आता है, लेकिन ये लोकल वाला है इस समय, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास नीड होती नहीं है कि हाँ भाई ओरिजिनल ही लगाना है ऐसा वैसा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फरसा क्वालिटी है, देख रहा होगा इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका साइज़ है PV69, यानी ये 7 से कम है, 7 एक फुल साइज़ होता है, इससे बड़ा भी आता है, ठीक है। और ये कलर वाइट है भाइयों, आप इसमें अगर वाइट है तो वाइट ही लगाएं, ज़्यादा बेटर लगता है, ब्लैक में ब्लैक लगाएं। और अगर अंदर जैसा मैंने दिखाया था कफरत में लगाना है तो बात अलग है, कैसे भी कलर का लगा दीजिए आप, मेड इन चाइना। तो भाई सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा ये चलता है मेड इन चाइना, ड्रिल अपने पास है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको ये फरसा वगैरह डालता हूँ, तब तक आप वीडियो में बने रहे, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा भाइयों व्हील, उसके बाद इसमें मैं फरसा लगाऊंगा, इसको बोलते हैं यहाँ पे कफरत। तो चले इस तरीके से लगा देता हूँ मैं इसमें, और ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दिख रही होगी आपको, मैंने 1 cm जगह इसमें छोड़ी हुई है, ठीक है। नहीं दिख रहा, दिखाता हूँ, 1 cm ये इधर से ऊपर 1 cm जगह छोड़ के तब लगाना है हमने, और मिसमार हमेशा इधर ही लगाना है, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ 1 cm इधर जगह छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये जो अपनी जॉबिया आएगी वो जॉबिया इधर चली जाए, ठीक है। और मिसमार इसमें इधर ही लगाना है, तो अगर इधर लगाएंगे तो फिर वो इसको एंगल को अंदर जाने नहीं देगा ब्रैकेट को, ठीक है। तो हमेशा मिसमार इसमें लगाएं और एक ही लगाएं ताकि ये एडजस्टेबल हो जाए इधर। तो चले शुरू करते हैं, मिसमार यही वाला रखें क्योंकि इसमें बहुत सुविधा होती है, ये छोटा मिसमार होता है, इस तरीके का छोटा मिसमार कोई भी यूज कर सकते हैं आप, बस आप इसे स्क्रू से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत इजीली लग जाता है भाइयों, इधर करा और ये करने के बाद ऐसे हाथ से ठोक देंगे एक बार, बस ये हो गया। तो ये लग के हमारा देख, आप से देख ही सकते हैं ये पूरा लग चुका है इधर भी और इधर भी, तो दोनों साइड लग गया। आपके पास अगर ड्रिल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इससे पेचकस से भी लगा सकते हैं आराम से। तो चले मैं सब में लगा देता हूँ। तो साथियों अब इसमें डालते हैं फरसा, ये मैंने आपको दिखा दिया है, सिर्फ एक ही इसमें लगता है, जो ऊपर रहता है उसमें ये नहीं लगता है और साइड वाले में कुछ नहीं होता, बस ये होता है। इसमें डालते हैं फरसा, सब में फरसा डलेगा इसी तरीके से जैसे इसमें डल रहा है, तो अभी ऊपर साइड डालते हैं, ये बहुत साइज सही है, ठीक है, यही साइज आप लगाएं तो ज्यादा बेटर है। ये हो गया, इसको काट देते हैं पूरा इस तरीके से, कट गया। और जिधर हमने ये डाला है उसी की साइड हम लोग इधर से फरसा डालेंगे भाई, सॉरी ये दिख रहा होगा आपको, इससे डाले इसे पकड़ के,
आपका कोई और भी तरीका हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे डालते हैं। ये ठीक है, इसके बराबर हो गया और ये हो गया। इधर से इसको काट देता हूं मैं, ये फर्श डल के रेडी, इधर भी और इधर भी। इधर नहीं डालना है, सिर्फ एक ही साइड डालेंगे तो, वरना इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा और ये बहुत टाइट चलेगी। ठीक है, तो ये रेडी है अपना, ऐसे चलेगा और इसमें आएगा जाली। तो साथियों, पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको बताई दिया था कि किस तरीके से जाली जुड़ती है और ये किस तरीके से इसमें वो लगाना है, तो पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। अगर नहीं देखी तो ये वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, और बाकी मैं आपको दिखा दूंगा। ये पूरा मैंने बताई दिया इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। शायद जो बंदा यहाँ पे सऊदी अरब में या कहीं बाहर गल्फ कंट्री में काम करना चाह रहा है, तो थोड़ी बहुत वीडियो देख के हेल्प जरूर हो जाएगी भाइयों, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।